स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। मैं आ गई हूँ किचन में। मेरी बेटी का बर्थडे है कल और क्योंकि लंच पार्टी है तो उसकी पूरी तैयारी मैं आज से शुरू कर रही हूँ, यानी कि संडे की पार्टी है तो सैटरडे से ही मेरी सारी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। मैं काफी कुछ बनाने वाली हूँ खाने में, आपको बताऊंगी। स्टार्टर में काफी आइटम है और मेन मेन्यू में भी काफी आइटम है, उसके अलावा डेजर्ट में क्या देने वाली हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर ना ये मैंने चढ़ा दिया है 1 किलो पास्ता बॉईल होने के लिए। तो मेरे स्टार्टर का एक आइटम है व्हाइट पास्ता और मैंने सोचा कि क्योंकि बच्चों को व्हाइट पास्ता बहुत पसंद होता है पर बड़े लोगों के लिए मैंने मसालेदार पास्ता में बनाने वाली हूँ कॉर्न के साथ में और बिल्कुल अपना जो देसी होता है ना जैसे अदरक वगैरह कूट के डाल के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए और आई एम श्योर आप लोग इंजॉय करेंगे। उसके बाद कनुषी के बर्थडे की कुछ क्लिपिंग्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो 3 साल की हो जाएगी हमारी कनुषी, तो बस उसी के लिए ये सारी तैयारी है। और हाँ, इस बार ना मैं हमेशा वैसे पूरी या पराठे घर पे बनाती हूँ लेकिन इस बार मैंने रोटी और नान बाहर से ऑर्डर किया है तो मुझे सिर्फ सब्जियां और स्टार्टर्स और डेजर्ट ही प्रिपेयर करना है। डेजर्ट भी एक्चुअली काइंड ऑफ बाहर का ही है बट उसका प्रेजेंटेशन मेरे स्टाइल में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट रेसिपी से, विच इज़ वाइट पास्ता। और ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ मशरूम, अच्छे से धो लिए थे मैंने और इसको मैं थोड़े से ऑयल में अच्छे से रोस्ट कर लूँगी ताकि इसकी वो जो स्मेल सी है वो निकल जाए और ये पक भी जाएंगे। तो इसे हम एंड में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम एक दूसरा पैन लेंगे जिसमें कि हम ऑयल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे जिससे कि बटर आपका जो है वो जलेगा नहीं। और फिर हम डालेंगे मैदा। आई थिंक आप सभी को आता होगा व्हाइट सॉस बनाना, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, बस मैदा डालेंगे 2 चम्मच से, मतलब बड़ी वाली 2 चम्मच मैंने लिया है। जिस भी हिसाब से आपको सॉस बनाना है उस हिसाब से मैदा डालिए। और फिर हम इसमें डालेंगे दूध, देखिए इतना जितना कि थोड़ा इस तरीके से लिक्विड कंसिस्टेंसी हो जाए। फिर मैंने इसमें डाला गार्लिक पाउडर और ओरिगैनो, मतलब जितनी भी इटालियन सीजनिंग होती है ना, और क्राउटर भी डाला मैंने, इटालियनिश क्राउटर जो आपको जर्मनी में मिल जाएगा बहुत आसानी से, एंड थोड़ा सा सॉल्ट बस। और हाँ, ब्लैक पेपर भी, जो कि मैं आई थिंक आगे ऐड कर ही दूंगी। और फिर बस इसमें इसको थोड़ा पकने के बाद डाल देंगे हम इसमें पास्ता और अच्छे से उसको मिला लेंगे। पास्ता भी देखिएगा अच्छे से बॉईल हो गया हो। और देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ब्लैक पेपर और फिर ना मैं थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करती हूँ, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसमें आप ना स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो और पेपर डाल दीजिए और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। एंड में मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे मशरूम एंड माय व्हाइट पास्ता इज रेडी। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, विच इज़ इंडियन स्टाइल मसाला पास्ता। तो लहसुन को अच्छे से बारीक कूट के मैंने इस तरीके से देखिए ऑयल में डाल दिया है। जब वो पक जाए तो हरी मिर्च और अनियन ऐसे मोटा मोटा या तो चॉप कर लीजिए या फिर ग्राइंडर में मोटा सा ग्राइंड कर लीजिए और फिर टमाटर एंड अदरक साथ में पिसा हुआ डाल दीजिए। इस तरीके से पका लीजिए बहुत अच्छे से, ऑयल जब वो छोड़ दे तो फिर इसमें डालिए आप कॉर्न। मैंने केन्ड वाले कॉर्न यूज़ किए हैं, अगर फ्रेश कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। और बस फिर हम अपने डालेंगे मसाले, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी। और इसमें ना एक्चुअली गरम मसाला बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उससे ही फ्लेवर आता है। हाँ, हींग मत ऐड करिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारे मसाले बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। और इसको अच्छे से पकाइए जब तक कि पूरा ऑयल निकल जाए, बाहर दिखने लगे आपको ऑयल, फिर ऐड कर दीजिए पास्ता एंड आवर दिस इंडियन स्टाइल पास्ता इज रेडी। सो हमारी रेसिपी 3 भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मैं आई थिंक बोल ज़्यादा रही हूँ और रेसिपी क्विकली आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए पनीर आप अगर बाहर से लाते हैं तो अच्छे से वॉश कर लीजिए उसको और फिर उसका हम मैरिनेशन रेडी करेंगे। लगभग 1 किलो दही यहाँ पर मैंने लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ अगैन अपने इंडियन स्पाइसेस, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा चाहे तो चाट मसाला भी ऐड करिए क्योंकि हमें इसमें थोड़ा चटपटा टेस्ट चाहिए। और फिर हम इसमें जो मेन
इंग्रेडिएंट है हमारा जिंजर यानी कि अदरक, अच्छे से ग्रेट कर देंगे क्योंकि इन सब का ही पनीर में बहुत ही यमी सा फ्लेवर आएगा। बस इसको अच्छे से देखिए यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया और इसके बाद ना जो हमने पनीर अच्छे से वॉश करके रखा है उसको हम कट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कई बार मुझे बाहर से पनीर लेकर आना पड़ता है तो उसे धोना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए इस तरीके से उसे कट कर लीजिए। मैं नॉर्मली ट्रायंगल शेप देती हूँ और थोड़ा सा मोटा रखिए पनीर को, अगर बहुत पतला रखेंगे तो टूट जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड मैंने ना इसे ओवरनाइट रखा था, आप चाहें तो मिनिमम 4 to 5 hours तो आपको रखना ही चाहिए ताकि वो जो पूरा फ्लेवर है वो पनीर में आ जाए। और उसके बाद इस तरीके से नॉनस्टिक पैन लेंगे तो बेटर है, उसमें आप ऑयल ले लीजिए और पनीर के जो टुकड़े हैं इनको अच्छे से आप सेक सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप ओवन में भी कर सकते हैं टू अवॉइड ऑयल। तो बस यहाँ पर इसे अच्छे से पलटते रहिए और बहुत आँच तेज़ मत रखिएगा, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। तो आपको हमेशा ये भी देखना है कि आपकी आँच कितनी है, कम होगा तो बहुत टाइम लेगा पकने में, तो थोड़ा मीडियम आँच पर ही इसे पकाइए। और देखिए जब ये ऐसा थोड़ा रोस्टेड कलर गोल्डन सा दिखने लगे तो बस निकाल लीजिए। और अब चलिए बनाते हैं इसकी ग्रेवी। तो ऑयल में ज़ीरा डालिए, हींग डालिए और उसके अलावा सारे मसाले, हल्दी, मिर्ची और हमारा सूखा धनिया, क्योंकि इसके बाद हमने जो प्योरी रेडी करी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने इकट्ठी ये जो है टोमेटो की प्योरी काजू के साथ रेडी कर ली थी, तो वो मैं अंदाज़न जितनी मुझे चाहिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो लगभग देखिए 4-5 चम्मच बड़े मैंने ले लिया है। और फिर पनीर को अच्छे से जो आपने तवे पे सेकने के बाद जो दही बच जाता है ना, आप उसको भी ऐड कर दीजिए क्योंकि उसमें भी बहुत सारा फ्लेवर है जो कि हमें हमारी ग्रेवी में चाहिए। उससे एक खट्टा सा टेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपका ये जो पनीर टिक्का मसाला है। इसमें मैंने जो ऊपर से शाही पनीर मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरे पास कुछ और था भी नहीं तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी खुशबू के लिए डाल देते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स को ये सब्ज़ी बहुत पसंद आई। तो हाँ, मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, दिखने में भी अच्छा लगता है और अच्छी बनेगी आपकी ग्रेवी। थोड़ी सी एंड में मैंने डाली क्रीम क्योंकि वो सारा जितने भी जो मसाले का फ्लेवर है उसको बैलेंस कर देगी। और बस फिर उसके बाद इसे इस तरीके से देखिए यमी सी हमारी सब्जी को सर्व कर दीजिए। तो ना अब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सी एक रेसिपी जो मैंने आपको बताई, मखाना करी। तो उसके लिए देखिए ये मखाने के पैकेट ले आए हैं कुणाल, 50 ग्राम का एक पैकेट है, तो 1, 2, 3, 4, 5 सो 250 ग्राम्स का ये है। और इसको मैं ना पहले घी में रोस्ट करके रख लूँगी और ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इसमें जो आप शाही पनीर की जो ग्रेवी बनाते हो ना उसमें आप ये मखाने डाल सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज आप मखाने को घी में रोस्ट करके रख लीजिए और ग्रेवी रेडी करके रख लीजिए, जब आप सर्व करोगे ना तब आपको उसके थोड़ी देर पहले मखाने डाल देने, तो वो हल्की सी क्रंचीनेस भी आएगी और ग्रेवी के साथ वो बहुत अच्छा भी लगेगा। आई होप बच्चे भी इस करी को इंजॉय करें। तो पहली बार बनाने जा रही हो, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए काजू भिगो के रख दिए थे और काजू को जैसे हम पनीर की ग्रेवी बनाते हैं शाही पनीर की, तो काजू को मैंने टमाटर के साथ और थोड़े से अदरक के साथ ग्राइंड कर लिया है। आज मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत सारी कुकिंग एक साथ चल रही है, तो मैंने लगभग 15 टमाटर और लगभग काफ़ी सारा 2 कटोरी काजू और अदरक जो है इकट्ठा पीस लिया है और मैं अपने हिसाब से ग्रेवी में यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मखाना करी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में ले लीजिए घी जिसमें हम अपने मखाने रोस्ट करेंगे। तो ये मैंने एक रात पहले ये किया था, तो इसमें ना रोस्ट करने के बाद आप इसे एयर टाइट में रखिएगा ठंडा करके, मैंने एक भगोने में खुले छोड़ दिए थे तो वो थोड़े से मुझे सुबह वापस च्यूई लगने लगे। और जब मैंने दोबारा सुबह रोस्ट किए ना तो मैंने उसमें थोड़ा सॉल्ट और हल्दी ऐड किया, तो आप भी ये ज़रूर करिएगा। ये रात की क्लिपिंग है जब मैं इसे रोस्ट कर रही थी और देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर चेक भी कर रही हूँ खस्ता हुए या नहीं। तो बस आप जब रोस्ट कर लेंगे ना तो एंड में आराम से आप अपनी ग्रेवी में उसे ऐड कर सकते हैं, बट इसे एयर टाइट में ज़रूर रखिएगा।
तो चलिए अब बनाते हैं ग्रेवी। थोड़े ऑयल में आपको ले लेना है जीरा, हींग, वही बेसिक मसाले। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल खाना होता है मेरा और बहुत सिंपल सी ग्रेवीज होती हैं। तो बस इसमें वही हल्दी, मिर्ची, नमक, सूखा धनिया हम डालेंगे, लेकिन क्योंकि इसकी थोड़ी शाही पनीर के जैसी ग्रेवी होती है तो शाही पनीर मसाला एंड में ऐड करेंगे। यहाँ पे अगेन वही मेरा जो काजू और टमाटर का जो मैंने रेडी किया था प्योरे, वो मैं ऐड कर रही हूँ जितना मुझे चाहिए। तो बस वो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ी देर हम इसे ढकेंगे ताकि ये जो है थोड़ा ऑयल छोड़ दे। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और नमक। मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा पानी भी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमारी ग्रेवी रेडी है, इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब गरम आप करेंगे सर्व करते टाइम इसमें मखाने ऐड कर दीजिए और इन्जॉय करिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, विच इज़ मेथी मशरूम मटर मलाई। और इसके लिए फ्रेश मेथी को मैंने इस तरीके से पानी से धो लिया अच्छे से, फिर उसे बारीक बारीक ऐसे हम चॉप कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर ना मैं मुझे टी शर्ट चेंज करनी पड़ी क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी काम करते करते, और फिर लग गई मैं दोबारा अपनी जो है जल्दी जल्दी तैयारी पूरी करने में। इसमें अब मुझे चाहिए लहसुन, मैंने 5-6 मोटी मोटी कलियाँ जो है लहसुन की ले ली और फिर उसको बारीक बारीक काट ली। उसके बाद देखिए यहाँ सारी तैयारी रेडी है मेरी, मशरूम, मेथी और थोड़ा अनियन सब कुछ रेडी है। तो तेल में मैंने डाला जीरा, हींग, उसके बाद मैंने डाला जो है लहसुन, उसको अच्छे से पकाइएगा, फिर डाल दीजिएगा प्याज, और प्याज डालने के बाद आप डालिए मशरूम। तो जब मशरूम थोड़ा पानी छोड़ दे उसके बाद आप डालिए मटर। आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने तो फ्रोज़न मटर को थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दिया था, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर लीजिए। देखिए उसको अच्छे से हिलाते रहिए, फिर उसके बाद जो हमारी ये प्योरी हमने बनाई थी काजू और टमाटर की, वो डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपको, इसमें थोड़ी सी ही डालना है बस फ्लेवर के लिए। उसके बाद हम डाल देंगे मेथी, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये तेल छोड़ेगा इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे और बाकी के मसाले, वही मेरा बहुत सिंपल कुकिंग होती है, हल्दी, नमक, मिर्ची और सूखा धनिया। ये डालने के बाद आप इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे याद नहीं है मैंने एक्चुअली कितनी क्रीम डाली है। तो आप अभी ये जो कलर मैं आपको दिखाऊंगी उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, इस तरीके का ना क्रीमी कलर आ जाना चाहिए। और तो क्योंकि इसका टेक्सचर ऑफ कोर्स, क्योंकि मेथी मटर मलाई हम बोल रहे हैं तो इसी तरीके का टेक्सचर आएगा, तभी वो फील आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये क्रीम डाल दी है और कुछ इस तरीके से आपकी ये सब्ज़ी दिखनी चाहिए। बस आप इसे निकाल लीजिए सर्विंग बाउल में और इन्जॉय करिए। ओके, अब क्विकली बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ रेसिपी की तरफ, विच इज़ चना मसाला यानी छोले। बहुत ही सिंपल है, मैं जैसे ना ग्रेवी वाले छोले नहीं बना रही क्योंकि ऑलरेडी बहुत ग्रेवीज बना चुकी थी, तो नॉर्मल सब्जी की तरह बना रही हूँ। तो तेल में मैंने डाल दिया है जीरा और हींग और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के आप ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से पकाइए, फिर डाल दीजिए चॉप्ड अनियन, और इसको भी अच्छे से पकाना है आपको, यानी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आँच भी देखते रहिए, बहुत तेज मत करिएगा। और देखिए यहां पर मैंने टमाटर ना इस तरीके से स्लाइस में काट लिए हैं और अदरक भी उसी पे ग्रेट कर दिया था। तो आपको टमाटर ना पीसने हैं ना बारीक काटने हैं, आपको इस तरीके से उसे स्लाइसेस में काटना है क्योंकि इससे ना वो बहुत जल्दी अच्छे से मशी हो जाते हैं पकने के बाद। ये देखिए यहां पर, और फिर आप उसको आराम से ऐसे दबा दबा के जो है मैश करते जाइए। और इससे क्या होगा कि ना तो ये ग्रेवी बनी और आपको बहुत हैवी भी नहीं लगेंगे ये छोले। इसमें पहले तो बेसिक मसाले डालूंगी, हल्दी, मिर्ची, नमक और सूखा धनिया, और उसके बाद चना मसाला डालिएगा, बहुत ज़रूरी है, खुशबू बहुत अच्छी आती है उससे। तो बस ये डालने के बाद मैंने ये देखे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच छोले मसाला या चना मसाला जो है आप ऐड कर दीजिए इसमें, फिर इसमें डाल दीजिए छोले बॉईल करके ना, आप छोले डाल सकते हैं, इसको ओवरनाइट सोक कर लिया था मैंने। तो बस यहाँ पर छोले डालने के बाद मैं इस तरीके से थोड़ा इसे मैश कर देती हूँ ताकि ये जो है पूरा एक सार, हम बोलते हैं एक सार हो जाएगी ग्रेवी आपकी। और बस ये टेस्टी से छोले आप सर्व करिए, सबको ज़रूर पसंद आएंगे।
तो अब मैं पनीर पकोड़ा, आलू बड़ा और आलू के पकोड़े तीनों एक साथ कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी। तो ये देखिए यहाँ पे पनीर पकोड़ा बन रहा है विच इज़ रेसिपी नंबर 6। और इसके लिए सिंपल मैंने बेसन में हल्दी, नमक, थोड़ी सी हींग डाल दी है। बच्चों के लिए बन रहे हैं इसलिए ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलेंगे। और इसी में जो है आलू भी मैं तल लूँगी। और देखिए यहाँ पर आलू बोंडा या आलू बड़े के लिए हमने आलू ले लिया, फ्रोज़न मटर मैंने वही गर्म पानी में डाल के छान के यूज़ की है। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, बाकी हमारे मसाले हल्दी, मिर्ची, नमक, उसके अलावा चाट मसाला और अमचूर मत भूलिएगा, और हरी मिर्च भी थोड़ी मैंने डाली। ये थोड़ा मुझे चटपटा बनाना था, या फिर जैसे समोसे के लिए आप बनाते हैं कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। इन सब मसालों को डाल के अच्छे से मैंने इन्हें मिक्स कर लिया। और बस इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने आलू की पकौड़ियाँ तलूंगी। और इस तरीके से देखिए गोल गोल काट लिए थे मैंने आलू, पानी में डाल दिया था, और फिर उसके बाद तल रही हूँ। यहाँ पर कुणाल आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। देखिए ये पकौड़ियाँ कितनी टेस्टी लग रही है ना। तो बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से मीडियम आँच पर तल लीजिए। और देखिए ये हमने इसके जो आलू बड़े के जो बॉल्स हैं वो बना लिए थे। इसके लिए जो बेसन है वो आपको थोड़ा गाढ़ा लगेगा, तो ये मैंने दोबारा से इसका बैटर बनाया और थोड़ा गाढ़ा सा इसको रखा ताकि अच्छे से वो पूरा कोट हो जाए। और आपको बहुत ज़्यादा वड़े नहीं डालने, अदरवाइज़ ये या तो चिपक जाएंगे या टूट जाएंगे या फैल जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बस इसको बनाने में मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था और ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। तो यहाँ पर मेरी 7 रेसिपीज़ जो हैं वो कंप्लीट हुई, लेकिन मैंने 8 डिशेस बनाई हैं और एक को मैंने नंबर करना जो है मैं भूल गई हूँ। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी डिश है, तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक प्यारा सा प्रेजेंट। एंड लास्ट टाइम के विनर राज को मैं जल्दी ही उनका प्रेजेंट दूंगी। हम मिले लेकिन गप्पों में मैं उन्हें अपना प्रेजेंट देना भूल गई। सो राज आपको ज़रूर मिलेगा आपका प्रेजेंट जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और अब चलिए दिखाती हूँ आपको हमारा डेकोरेशन। सारा खाना बनने के बाद हमने ये डेकोरेशन किया। देखिए हमारी, क्योंकि समर जो चल रही है यहाँ पे, गार्डन थीम पार्टी थी, तो कनुषी को खुश करने के लिए यहाँ पे हमने सब कुछ ऐसा डेकोरेट किया कलरफुल। और बैठने की जो व्यवस्था है वो हमने इस बार अपने गार्डन में ही की, ताकि हमारे फ्रेंड्स जो हैं वेदर इन्जॉय करते हुए पार्टी भी इन्जॉय करें। कनुषी भी इतनी खुश थी, इस वजह से हमारी सारी मेहनत वसूल हो गई और यहाँ पर आज का ये दिन ख़त्म हुआ। अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग का लुक कैसा लग रहा था। देखिए हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ जितना भी किया बहुत ही क्यूट लग रहा था। और जगह जगह हमने इस तरीके से अपने टेरेस में ये चीज़ें हैंग कर दी हैं। कनुषी ने ना सब कुछ नोटिस किया एंड शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो बस अच्छी धूप निकल गई थी, बीच में जो था थोड़ा सा ज़्यादा सनी ऐसा लग रहा था कि वेदर हो जाएगा, बट देन स्टिल सबने बहुत एंजॉय किया एंड इस वेदर के लिए तो हम सब वेट करते हैं। तो चलिए सीधे अब चलते हैं कनुषी के बर्थडे सेलिब्रेशन में। नमस्ते दोस्तों। सो ये रही बर्थडे गर्ल कनुषी, से हेलो टू एवरीबॉडी। हेलो। तो हम सब हो गए हैं रेडी और वेट कर रहे हैं अब हमारे गेस्ट का। कल आपने देखा पूरी तैयारी मैंने की और आपके साथ शेयर भी करी। तो आज कनुषी का 3rd बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। हमने गार्डन में इस बार पार्टी रखी है और हमारे जो हम सबका जो फैमिली थीम है वो येलो है। हम सब येलो में तैयार हुए हैं। कनुषी आर यू हैप्पी? सबको आने दो, फिर कितनी खुश है। हेलो। सो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी बर्थडे गर्ल है आज सुपर एक्साइटेड। तो देखिए यहाँ पर अपने केक के पास बैठी हुई है और झट से ये बटर नाइफ ले ली कि कहीं कोई ले ना जाए। शी इज़ डेस्परेटली वेटिंग टू कट हर केक। और यहाँ पर देखिए सब लोग आके कनुषी से मिल रहे हैं और उसे बहुत सारा लाड़ प्यार मिल रहा है, इसीलिए वो और ज़्यादा खुश है और प्रेजेंस एंड अपने केक के बीच में बैठ के पार्टी इंजॉय कर रही है। और जोर से। हैप्पी बर्थडे टू यू।
हाय गाइस, हाय। ये तो अभी स्टार्टर्स हैं, अभी तो खाना आएगा। हाय राज, हाय। तो देखिए, जो स्टार्टर आपने बनते हुए देखे वो यहाँ लग गए हैं। आलू की पकौड़ी, पनीर का पकौड़ा, वाइट पास्ता, मसाला इंडियन पास्ता और आलू वड़े, उसके अलावा चिप्स एंड कुकीज़ भी है और केक। तो ये था हमारा आज का स्टार्टर और यहाँ पर हमारे ड्रिंक्स आ रहे हैं। मैंने बनाया था रू अफ्सा एंड उसके अलावा बनाई थी कुणाल ने छाछ। इस वेदर के हिसाब से ना ये दोनों ड्रिंक्स बिल्कुल परफेक्ट थी एंड सभी ने बहुत इंजॉय किया। रू अफजा देख के तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और मैं यहाँ पर मेक श्योर करते हुए कि हर चीज़ अच्छे से प्रॉपरली अरेंज हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। और देखिए, यहाँ पर राज हमारी हेल्प कर रही है केक कट करके सर्व करने में। अगर आप मेरे व्लॉग्स हमेशा देखते हैं तो आपको पता होगा केक तो हमेशा राज ही कट करने में हेल्प करती है। एंड यहाँ पर मेरे बाकी फ्रेंड्स भी हेल्प कर रहे हैं कि चीज़ें सब अच्छे से अरेंज हो जाए एंड सब साथ में इंजॉय भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं और ड्रिंक्स भी इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी बैकग्राउंड मस्ती रील्स वाली। अगर आपको ये रील देखनी है जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट अनुश्री गौर 21 पे जाइए और पूरी रील चेक करिए, और या फिर स्टूडियो कला संगम बाय अनुश्री गौर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल जिस पे अभी आप ये व्लॉग देख रहे हैं उसमें भी। प्रैक्टिस करो अपनी। ये देखिए, 1 2 3 वेरी गुड, गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। ये देखो, पे चल रही है हमारी प्रैक्टिस क्योंकि बनेगी अभी डांस। ना सिर्फ कनुषी का बर्थडे था बल्कि मदर्स डे भी था, तो इस डांस रील के साथ हमने सेलिब्रेट किया। इंस्टाग्राम पर मेरा कैप्शन जरूर चेक करिएगा। और ये लग गया है मेन कोर्स हमारा यहाँ पर, मखाना करी, पनीर टिक्का मसाला, मेथी मटर मलाई और छोले। इसके अलावा ना मैंने जीरा आलू भी बनाया था जिसकी रेसिपी तो मैंने आपको दिखाई नहीं, बट आई एम श्योर आप सबको आती होगी। इसके अलावा सैलेड, चटनी, दही, राइस और रोटी नान हमने बाहर से ऑर्डर की थी। तो बस सब ने साथ में मिल के लंच भी इंजॉय किया। और देखें यहाँ पर बर्थडे गर्ल ना सबसे पूरा पूरा लाड़ इसने आज लिया है और राज के हाथों से खाना खाया इसने। तो बस इसी तरीके से ये पूरा सेलिब्रेशन हमारा बहुत अच्छा गया कनुषी के बर्थडे का। और देखिए बर्थडे गर्ल कैसे यहाँ पर धूप के साथ खेल रही है। एंड में बारी है डेजर्ट की, चलिए बताती हूँ आपको आज डेजर्ट में क्या है। तो ये जो हमारा है आज डेजर्ट बन रहा है, कुछ नया ट्राई किया है, आइसक्रीम विथ ब्राउनी। ब्राउनी हमने मंगा ली थी, उसे बढ़िया से माइक्रो में गर्म कर दिया है, वेनिला आइस और फिर उसमें चोको सॉस डाल के सबको सर्व करेंगे। ये दूध से तैयार। सो चॉकलेट ब्राउनी विथ आइसक्रीम के डिलीशियस डेजर्ट के साथ हमने इस इवनिंग को एंड किया। और ये देखिए कनुषी का प्यारा सा केक, ये भी बहुत टेस्टी था थैंक्स टू रेणुका। और आप मुझे बताइएगा कि आपको जो मैंने सारी रेसिपीज दिखाई वो कैसी लगी। आशा करती हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आप ट्राई ज़रूर करेंगे। और मैंने कौन सी रेसिपी का नंबरिंग नहीं किया है ये भी बताइएगा। टोटल 8 रेसिपीज बनाई थी लेकिन मैंने 7 की ही नंबरिंग की है। और आपको मिलेगा मेरी तरफ प्यारा सा प्रेजेंट। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप सब देखते हो लेकिन लाइक नहीं देते हो, मुझे सच्ची बहुत खुशी होगी। और थोड़ा समय निकाल के कमेंट भी करिएगा, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे चैनल के लिए भी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते मेरी बेटी के लिए ढेर सारी दुआएँ दीजिएगा 3 साल के उसके जन्मदिन पर। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।